वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम क्लास। तो आज मैं बी थर्ड ईयर वालों के लिए इंग्लिश 5 एंड राइटिंग इन इंग्लिश ड्रामा एंड फिक्शन 2023 के क्वेश्चन पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपका कोड है A309 जो कि आपका न्यू कोड है। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द बर्गर्स ऑफ कैलिस इज ए फेमस एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा रिटन बाई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑगस्ट रोडिन। ये ऑगस्ट रोडिन द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड्स डेमोन्स एंड अदर्स इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाई। यहाँ पर ऑप्शन सी, आर के नारायण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ऑफ नागराज इज ए क्लासिक पीस ऑफ लिटरेचर रिटन बाई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, आर के नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोवल इज रिटन एज ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, एन एपिस्टोलरी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच काइंड ऑफ प्ले इज डिजाइन फॉर रीडिंग रेदर देन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, क्लोसेट ड्रामा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आई कैन नॉट से एनीथिंग फॉर सर्टेन बारबी टू हुम डिड लता रामजिमल कॉल बारबी इन ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूथ। नेक्स्ट है, डैश 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 दिया है यहाँ पर, इज द फाइनल आउटकम ऑफ द स्टोरी जनरली ओकरिंग आफ्टर द क्लाइमैक्स ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, डिनोमेंट्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेम स्वर्णलता'स बेस्ट फ्रेंड हु डाइड इन बस एक्सीडेंट इन महेश दत्तानीस मॉर्निंग रागा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, वैष्णवी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच कॉमेडी डज विटली पोर्ट्रे फैशनेबल लाइफ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट सिक्वेंस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस ऑडियंस और कैथरसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इज एम्बिगियस दिस इज कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शन बी, सिंटैक्टिक एम्बिग्युटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनाफोरा अपोजिट ऑफ ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जो कि आपका यहाँ पर 11 क्वेश्चन है, यहाँ पर डैश 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 दिया है, इज ए स्टाइल इन लिटरेचर एंड ड्रामा दैट मॉक्स और इमिटेट्स ए सब्जेक्ट बाय रिप्रेजेंटिंग इट इन ए आयरनिक और ल्यूडिक्रस वे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्लेस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट ब्रिंदा वाज द डॉटर ऑफ ए मैन हु ओन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, स्मॉल टी एस्टेट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द रोंगली मैच्ड पेयर। तो यहाँ पर जो रोंग पेयर है यह हो जाएगा ऑप्शन सी, आर के नारायण फिक्शनल नॉर्थ इंडियन। नेक्स्ट है, टॉमस हार्डी वेसेक्स नोवल आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, रीजनल नोवल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एरोंस रोड इज ए पिकारेक्स नोवल रिटन बाई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, डी एच लॉरेंस राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। यहाँ पर रोंग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मार गया ए मिडल एज्ड मनी लैंडर कैरीज हिज बिजनेस अंडर द शेड ऑफ ओक ट्री। तो यह इसका गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वो सेड दैट ऑल ग्रेट आर्ट लिटरेचर इज प्रोपागेंडा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, जी बी सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द राइट स्टेटमेंट अबाउट ए फ्लाइट ऑफ पिजन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी। तो यहाँ पर इसका कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर इसका सी और डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश दत्तानीस प्ले हैव बीन डायरेक्टेड बाय। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, अरविंद गौड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड फर्स्ट ऑफ द एक्सप्रेशनिस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑगस्ट स्ट्रॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फ्लाइट ऑफ पिजन हु अट्रैक्ट्स रूथ ब्यूटी एंड वांट्स टू मैरी हर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, जावेद खान राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वर्क ऑफ रस्किन बॉन्ड वॉन जॉन लेवलिन राइंस प्राइज इन 1957। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूम ऑफ द रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट क्रॉस द सी मेरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग
एट द वाटर, हु सेड, तो यहाँ पर ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द हैरी एप वॉज ए फेमस एक्सप्रेशनिस्ट प्ले रिटन बाय, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यूजेन ओ नील इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामेटिक आयरनी कैन बी बेस्ड ऑन आइदर डैश 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 दिया है पर इंफॉर्मेशन और डैश 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 इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इनसाइड इंफॉर्मेशन और आउटसाइड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ट्रांसफिग्रेशन वॉज ए फेमस एक्सप्रेशनिस्ट प्ले रिटन बाई, तो यहाँ पर ऑप्शन ए अर्नेस्ट टोलर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 10 मई 1857 राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक था रश्टी इज ए दूरदर्शन शो बेस्ड ऑन द स्टोरीज रिटन बाय, तो यहाँ पर ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडन कैस्टल इज ए फेमस रीजनल नॉवल रिटन बाय, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जॉन कॉपर पोज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट रस्किन बॉन्ड, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न इन 10 मई, यह इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट वाज द नेम ऑफ द चर्च मेंशन बाय रस्किन बॉन्ड इन ए फ्लाइट ऑफ पिजन, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सेंट मेरी चर्च राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन, तो यहाँ पर ऑप्शन डी 1999 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरी मैन इज द टाइटल ऑफ ए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी मोरालिटी प्ले राइट आंसर है। नेक्स्ट है ए नॉवल डिस्क्राइबिंग पीपल एंड लैंडस्केप ऑफ एन एक्चुअल लोकेलिटी आउटसाइड द मेट्रोपोलिस इज कॉल्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रीजनल नॉवल। नेक्स्ट है ऑल गॉड्स चिलन गोट विंग्स 1924 इज ए फेमस, तो यहाँ पर ऑप्शन ए एक्सप्रेशनिस्ट प्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द लाइफ एंड डेथ ऑफ जोनाथन विल्ड द ग्रेट फेमस पिकारेस्क नॉवल रिटन बाय, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट अबाउट आर के नारायण, तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 30 डेज इन सेप्टेम्बर इज ए नॉवल रिटन बाय आर के नारायण, यह महेश दत्तानी द्वारा लिखा गया था जो कि यह गलत है। यहाँ पर पिक आउट द राइट स्टेटमेंट अबाउट द एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वर्क ऑफ आर्ट दैट हैज ए सिंगल थीम द वर्किंग आउट ऑफ ए सिंगल आइडिया इज कॉल्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेल्स अबाउट, तो यहाँ पर ऑप्शन ए मेंटल स्टेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस आर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर के नारायण, तो यहाँ पर आर के नारायण के बारे में सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं, इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो यह क्वेश्चन ही उन्होंने गलत दिया था, तो हम इसे अभी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर पिक आउट द रोंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाज त्रिलोकी इन ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, तो यहाँ पर ऑप्शन ए मेसन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द नॉवल विच एम एच अब्राम्स हैज डिस्क्राइब्ड एज ए क्वासी पिकारेस्क नैरेटिव, तो यहाँ पर ऑप्शन सी डॉन क्विक्सोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन अबाउट पिकारेस्क नॉवल, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सी एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिल्क इज द सिंबल ऑफ, तो यहाँ पर ऑप्शन डी गोडेस लक्ष्मी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट द प्रीस्ट एडवाइज मार्गया टू ब्रिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन सी मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज पेस्टिस, तो यहाँ पर ऑप्शन ए लिटरेली कॉलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट हु टैक्स बालू ऑन ए रॉन्ग पथ, तो यहाँ पर ऑप्शन डी डॉक्टर पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन फॉर ए करेक्टर आर्किटाइप, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ए यूनिवर्सल टाइप ऑफ करेक्टर दैट अपियर्स इन ऑल कल्चर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम द पर्सन हु फेल्ट ए मेंटल ट्रोमा इन मॉर्निंग रागा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी स्वर्णलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 छूट गया था पिकारेस नॉवल्स ऑफन कंटेंस, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सेटायर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सिंधु भैरवी इज ए राग इन कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक बिलोंगिंग टू द, तो यहाँ पर ऑप्शन डी अश्वरी थाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑथर हु वांटेड टू बिकम ए कॉपी राइटर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी महेश दत्तानी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट अबाउट द प्ले द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पर इसका जो रोंग स्टेटमेंट है वह यहाँ पर ऑप्शन सी ए एंड सी इसके रोंग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हु सेड द फंक्शन ऑफ द ड्रामा इन माई ओपिनियन इज नॉट मेरली टू रिफ्लेक्स द मेल फंक्शन ऑफ द सोसाइटी बट टू एक्ट लाइक फ्रीक मायर इन ए कार्निवल, तो यह कहा था ऑप्शन सी महेश दत्तानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डे डैश दिया है इज ए रेटोरिकल डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज ए डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन, तो यहाँ पर ऑप्शन डी एंटी क्लाइमैक्स राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश 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 दिया है पर इज यूजफुल इन प्लेसेज वेयर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी फैच मैक्सिमम फोर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हाइपरबोल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 दिया है पर आर रिटन डॉक्यूमेंट्स और मैनस्क्रिप्ट्स दैट समराइज द सेटिंग स्टेज डायरेक्शंस डायलॉग एंड एक्शन ऑफ ए करेक्टर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन बी स्क्रिप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट आई एम ए मैन हु केयर्स फॉर वर्क ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सर्विस टू मैनकाइंड हु सेड, तो यहाँ पर ऑप्शन सी मार गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ड्रामेटिक टेक्स्ट अटेंस परफेक्शन थ्रो, तो यहाँ पर ऑप्शन बी डायलॉग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हमें रोंग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी नैरेटिव हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज ए फॉइल करेक्टर, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्टर हु कंट्रास्ट विद अनोदर करेक्टर, यहाँ पर फॉइल का अर्थ होता है सहायक और करेक्टर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पात्र, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है सहायक पात्र, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डैश 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 दिया है करेक्टर रिप्रेजेंट ए कंसेप्ट और थीम लार्जर देन देमसेल्व्स, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सिंबॉलिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट डैश 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 करेक्टर्स रिमेंस द सेम थ्रू आउट द स्टोरीज, तो यहाँ पर ऑप्शन ए स्टेटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश 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 दिया है इज ए लॉन्ग अनइंटरप्टेड स्पीच दैट इज स्पोकन बाय ए सिंगल करेक्टर विच रिवील्स हिज हर थॉट एंड फीलिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन ए मोनोलॉग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिलेक्ट महेश दत्तानी डिबट फिल्म, तो यहाँ पर ऑप्शन बी मैंगो सोफले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश दत्तानी ऑल्सो हैज हिज ओन थिएटर स्टूडियो इन, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बेंगलोरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज बजवर्ड, तो यह एक पॉपुलर वर्ड और फ्रेज होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाइपरबोल कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलोज, तो अभी तक इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, यदि आप जानते हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑनेस्ट वॉर इज ए फेमस ड्रामा ऑफ आइडियाज रिटन बाय, तो यहाँ पर ऑप्शन बी थॉमस डीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेजेडी एंडीवर्स एज फार एज पॉसिबल टू कन्फाइन इट सेल्फ टू ए सिंगल रिवोल्यूशन ऑफ द सन और स्लाइटली टू एक्सीड दिस लिमिट वो सैड, तो यहाँ पर ऑप्शन बी एरिस्टोटल यानी अरस्तु इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज डाइकोप, तो यहाँ पर ऑप्शन ए रिपीटेशन ऑफ वर्ड विद वर्ड इन बिटवीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डील्स विद कंटेंटियस सोशल इश्यू थ्रू डिबेट्स बिटवीन द करेक्टर्स ऑन स्टेज, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी प्रॉब्लम प्ले। नेक्स्ट है ओरमोंड इज ए फेमस, तो यहाँ पर ऑप्शन सी रीजनल नॉवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्सपेडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर इज ए फेमस पिकारेस्क नॉवल रिटन बाई, तो यहाँ पर ऑप्शन ए टोबियास स्मोलेट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वो अचीव इनॉर्मस पॉपुलर सक्सेस विद द गुड कंपेनियंस एज ए पिकारेस्क नॉवल, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जे बी प्रिस्टली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवेंचर्स ऑफ ओगी मार्च इज ए पिकारेस्क नॉवल रिटन बाई, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सोल बिलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो, तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है तो यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपोक्रीजी इसका राइट आंसर है, बाकी सभी इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड दिए गए यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पिकारेस्क वाज फर्स्ट कॉइंड इन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1810 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
द पिलर्स ऑफ सोसाइटी इज ए प्ले बेस्ड ऑन द थीम ऑफ, तो यहाँ पर ऑप्शन डी प्रॉब्लम प्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 दिया है इज ए स्ट्रक्चर दैट इनेबल्स एन ऑथर टू कंबाइन और व्यू टू और मोर ड्रामेटिक प्लॉट्स इन ए स्टोरी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी पैरेलल प्लॉट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम द गेम विच विलेज बॉय प्लेज इन द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पर ऑप्शन डी गिल्ली डंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज, तो यहाँ पर ऑप्शन बी एज यू लाइक इट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिल्वर बॉक्स इज ए फेमस प्रॉब्लम प्ले राइटिंग बाई, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जॉन गल्सवर्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एट द वेरी एंड ऑफ द प्ले द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पर ऑप्शन बी अमल डाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द प्ले द पोस्ट ऑफिस हु सेड अमल यू विल रीड बिग बुक्स एंड बी लर्नड, तो यहाँ पर ऑप्शन बी माधव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश 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 दिया है इज ए वर्क ऑफ फिक्शन इंटरमीडिएट इन लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी बिटवीन ए शॉर्ट स्टोरी एंड ए नोवेल, तो यहाँ पर ऑप्शन ए नोवेला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है नेम द ऑथर हु रोट प्रीफेस फॉर द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पर ऑप्शन बी डब्ल्यू बी येट्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑथर हु रोट फेमस प्ले तारा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी महेश दत्तानी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज वॉज स्टार्टेड इन, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 2018 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर एन टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन रिस्पॉन्स टू द, यहाँ पर ऑप्शन बी जलियांवाला बाग मैसेकर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्रीक एरा ट्रेजेडीज वर परफॉर्म्ड इन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सिंगल डे इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी 3-4 दिन तक लगातार चलती थी लेकिन यहाँ पर ए सिंगल डेज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन डैश 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 दिया है रस्किन बॉन्ड वेंट टू लिव इन मसूरी वर ही स्टिल रिसाइड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1963 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स रिटन बाय आर एन टैगोर वेयर द माइंड इज विद आउट, तो यहाँ पर ऑप्शन डी फियर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट पब्लिश्ड इन, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।